पिछले ब्लॉग में आपने देखा मैं मनोज दे से मुलाकात करने के लिए उनके घर गया हुआ था और मनोज भाई से मुलाकात हुआ, उसके बाद हम लोगों ने केक भी खाया और आज जाने वाले हैं ज्योतिश्री महतो के घर। तो चलिए ब्लॉग को प्रारंभ करते हैं और चलते हैं उनसे मुलाकात करने। ज्योतिश्री महतो का घर मनोज भाई के घर से थोड़ा सा पीछे है और यहाँ पर जाने के लिए आपको कुसमाडी मोड़ से बाएं तरफ जो गली जाती है उसमें आपको जाना है। देखिए ये है कुसमाडी मोड़ और यहीं से बाएं तरफ जो गली जाती है उसी गली में जाना है। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं किस जगह पर है ज्योतिश्री महतो का घर। तो गली में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं और धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ पर आपको आगे दिखाते हैं ये जो घर है यही है ज्योतिश्री महतो का घर। तो चलिए रुकते हैं यहाँ पर। तो ये है देखिए ज्योति दी का घर और ये उनका रहा बालकनी। मैंने बाइक यहीं पर खड़ा कर दिया था। तो देखिए ये है ज्योतिश्री का घर और ये जगह आप लोग बहुत बार देखते होंगे जो अंदर में उन्होंने बनाया और उसके बाद ये बालकनी है। तो धूप उस तरफ से इस कारण से उतना अच्छा व्यू आ नहीं रहा है लेकिन ऐसे में देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। देखिए बेल बजाए तो बाहर आए खुद से। तो चलिए मुलाकात करके तो बहुत ही अच्छा लगा, कुछ बोलेंगे ज्योतिश्री तो देखिए उनसे ही बात कराते हैं। तो ये भैया अभी सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम में आए, कहाँ देवघर से आए। देवघर से आए तो अच्छा लगा इनसे मिल के। चैनल पर नए तो इनको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा जितना ज्यादा से ज्यादा। बुलाते हैं, भूल जा रहे हैं। कोको, हाँ कोको, कोको कोको बुलाइए। तो बुला रही है, बुला रही है। हाँ तो देखिए ये आ चुका है कोको, पूरा खुश है आज। तो चलिए ज्योति दी से मुलाकात हो गया और उनका आपको जो है घर वगैरह सारा कुछ दिखा दिए और अब यहाँ से आगे निकलते हैं। चलिए थैंक यू दीदी। अब हम जा रहे हैं डांसर सनातन भैया से मिलने के लिए। तो चलिए देखते हैं घर में है या नहीं भैया। ज्योतिश्री से मुलाकात हो गया, अब हम निकल चुके हैं डांसर सनातन से मिलने के लिए। तो डांसर सनातन से जो मुलाकात होगा वो आपको अगले ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डांसर सनातन का ब्लॉग सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में।